कंस्ट्रक्शन बेस साइट है जडमोह टनल की, जहां पर कल देर शाम ये आतंकी हमला हुआ। 6 मजदूरों की इसमें हत्या की गई है। एक डॉक्टर जो कि इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम कर रहे थे, उसकी भी हत्या की गई है। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस आतंकी घटना में चली गई है। आप हमारे बेगुनाहों को मार डाले, फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत हो? पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूँ, कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। 20 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हमले में बडगाम के डॉक्टर शाहनवाज मीर और पंजाब और बिहार के 6 मजदूरों की जान चली गई, यानी कुल 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से एक पोस्टर रविवार को हुए कश्मीर आतंकी हमले के बाद जारी किया गया। इस पोस्टर में ये संगठन हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। टीआरएफ लश्कर ए तैयबा की ही एक शाखा है। ये संगठन पाकिस्तान की जमीन से चलने वाली लश्कर ए तैयबा का एक धड़ा है। टीआरएफ ने पिछले कुछ सालों के दौरान कश्मीर में कई जघन्य आतंकी वारदातों की जिम्मेदारी ली है। 2023 की शुरुआत में केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत द रेजिस्टेंस फ्रंट को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक साल 2022 में घाटी में मारे गए आतंकियों में से सबसे ज्यादा 108 टीआरएफ या लश्कर के थे। उसके बाद जैश के 35 आतंकी मारे गए। इसके अलावा आतंकवाद की राह पकड़ने वाले 100 लोगों में से 74 टीआरएफ में शामिल हुए। टीआरएफ ने हाल ही में घाटी में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या की जिम्मेदारी ली। गांदरबल हमले के बाद सेना टीआरएफ के एक एक आतंकी को चुन चुन कर जहन्नुम पहुंचाने में जुट गई। गांदरबल में आतंकियों की कायराना हरकत को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हुक्मरान से हम कहना चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। देखिए फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को किस तरह तगड़ा धो डाला। देखिए ये बहुत ही दर्दनाक वाकया है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए, तरक्की करने दीजिए। कब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे? 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए, और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए वो हम सब पे पड़ेगा, टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए, ये नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है, मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये,
इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी गांदरबल आतंकी हमले पर पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये पहली बार नहीं है जब टीआरएफ ने इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया है। टीआरएफ पहले भी प्रवासी मजदूरों को इस तरह निशाना बना चुका है। कश्मीर में इस समय टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव आतंकी संगठन माना जाता है। लश्कर से जुड़े साजिद जट, सज्जाद गुल और सलीम रहमानी इसको लीड कर रहे हैं।